खुश अलग कर। जिंदगी के हर मोड़ पे तुझे दर्द सताएगा और उसी दर्द का फायदा बिना चुके ये डर उठाए तुझसे कहेगा कि तू आगे कुछ नहीं कर पाएगा, पर क्या वो लिख कर दे पाएगा कि तू हार जाएगा? डर से मत डर यार, कुछ अलग कर। तेरी हर कमजोरी पर ये डर घर बनाएगा, पर तू अपना हुनर दिखाएगा, उसी कमजोरी को तू अपनी ताकत बनाएगा और उस दिन ये डर तुझसे डर जाएगा। डर का खेल ये डर होके खेल, डर से मत डर, डर से मत डर, आगे बढ़, भुला दे डर, कुछ अलग कर। क्या बताएं? कुछ अलग कर, आप डरो मत, कोई बोला नहीं नहीं बन सकता। अबे तू हट, मैं करके दिखाऊं, मुझे बनना है ना, किसी और को बनना है क्या? उसमें ये बताया अब ऋतिक रोशन को तो 6 उंगली है ना, और कितना अच्छा डांसर है क्या? नहीं सुपर हिट पिक्चर बनाए कि नहीं बनाए, सुपर हिट डांसर है क्या? नहीं अगर उसको कोई बोलता तेरी 6 उंगली है भाई तू नहीं कर पाएगा, वो कर पाता था क्या? उसने डर को भगाया। आपको भी अपना डर भगाना है। डर भगाने का मतलब होता है कि आपको अगर कोई बोलता है कि आप ये नहीं कर सकते तो आपको खुद से बोलना है कि मैं कर सकता हूँ। बोलना है कि नहीं बोलना है? खुद से बोलूँ कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मुझे सारी चीज़ें करना है। क्योंकि सारी चीज़ें किसको करना है? आपको करना है कि मेरे को करना है? एग्जाम किसको आपको देना है कि मुझे देना है? पढ़ाई किसको आपको देना है कि मुझे देना है? सारी चीज़ें आपको करना है। तो डर कौन भगाएगा? खुद से खुद की लड़ाई है ये, सारी चीज़ें आपको करना है। तो डरना नहीं है। कैसा है डर? क्या होता है डर की मीनिंग? ये है कि हम कुछ भी काम करते हैं ना तो हमें डर लगता है। जैसे अभी किसी लड़की को मैं आके अगर बुलाओ, कोई लड़का बोले तो वो डरेगा कि मुझे 100% नहीं आता। वो डर नहीं होना चाहिए। मैं कर सकती हूँ ना, या मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ कि नहीं? सिर्फ आपको खुद के अंदर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि आपकी सोच ही बताएगी ना आप क्या बन सकते हो। मैं बता सकता हूँ क्या? कोई बता सकता है क्या? आप खुद कुछ भी बन सकते हो। इसीलिए पैसा नहीं लगता। पैसा लगता है क्या? पैसा सिर्फ काम से बना जाता है, और काम क्या करना है ये आपको पता रहना चाहिए। अभी आपकी पढ़ाई है तो आप पढ़ाई को कैसे आगे ले जाके कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हो। फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में चला रहा हूँ। समझ में आ रहा सबको? समझ में आ रही है मेरी भाषा? हिंदी समझ में आ रही है? माझं कळत आहे का तुम्हाला? ठीक है, चलो फिर सामने चलते। फ्रस्ट्रेट होता हूँ इस पिक्चर को देख के, मोटिवेट होता हूँ। आने वाली मुश्किलों से अनजान है, आने वाली मुश्किलों से अनजान है ये इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। अपने सपनों के पीछे भाग रहे थे, अपनी जॉब, अपनी फैमिली, अच्छी सैलरी और सब कुछ सेक्रीफाइस करके दिन रात जाग रहे थे। दोस्तों ये फोटो देख के मेरे दिमाग में बस यही बात आती है कि जिस टाइम ये दिन रात एक करके amazon.com बना रहे थे, उस टाइम इनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि ये एक ऑफिस ले सके। एक छोटे से आज से शुरू किया था इन्होंने amazon.com को। आज सिर्फ 20 साल में दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ दिया। बिल गेट्स की नेटवर्थ $90 बिलियन और जेफ बेजोस की $112 बिलियन। जेफ बेजोस से 20 साल, 30 साल, 50 साल पहले से हजारों लोग बिजनेस कर रहे होंगे, लेकिन जेफ ने सबको पीछे छोड़ दिया, और इतना बुरा पीछे छोड़ा कि आज के डेट में जेफ के कोई आस पास भी नहीं है। टेलीफोन को 5 करोड़ यूजर्स बनाने में 75 साल लग गए, रेडियो को 38 साल लगे, टीवी को 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने में सिर्फ 13 साल लगे, इंटरनेट 4 साल में ही 5 करोड़ लोगों तक पहुंच चुका था, फेसबुक 3.5 साल में 5 करोड़ लोगों तक पहुंचा, ट्विटर को सिर्फ 2.5 साल लगे, और एंग्री बर्ड्स मात्र 35 दिनों के अंदर 5 करोड़ लोगों तक पहुंच चुका था।
यार ये जमाना है टेक्नोलॉजी का, जिस चीज को करने में लोग पहले 75 साल लगाते थे वही चीज आज 35 दिन के अंदर हो रही है। कोई भी न्यूज, व्हाट्सएप पे कोई अफवाह, यूट्यूब की वीडियो, किसी भी स्टार्टअप में कस्टमर, सब कुछ तेज तेज हो रहा है। अगर आप लोग स्लो रह गए तो रेस में बहुत पीछे रह जाओगे। अंधा वो इंसान नहीं जो अपनी दोनों आंखों से ना देख सके, अंधा तो वो है जो बदलते हुए वक्त को नहीं देख सकता। लंगड़ा वो इंसान नहीं जो अपने दोनों पैरों से ना चल सके, लंगड़ा वो है जो बदलते हुए वक्त के साथ, तेजी से चेंज होते हुए वक्त के साथ भाग नहीं रहा। पूरी जान लगा दो यार, क्या पता आप भी आज कोई स्टार्टअप या फिर बिजनेस कर रहे हो, अपने छोटे से कमरे के अंदर टेबल पे पुराना सा लैपटॉप लेके, अकाउंट में 400 रुपए पड़े हो, अभी कोई इनकम का सोर्स नहीं होगा, घर वाले नालायक समझते होंगे, लेकिन आने वाले 5 से 10 साल के अंदर आप अंबानी को पीछे छोड़ दो, ये भी तो पॉसिबल है यार। क्या पता अगला जेफ बेजोस भी इस टाइम पे मेरी वीडियो देख रहा हो। भाई आप लोगों को क्या पता यार कि अगले कुछ सालों के अंदर मैं भी इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। बस इतना बोलूंगा यार कि आप जो भी कर रहे हो पूरी जान लगा दो, फुल पावर के साथ करो, डेडिकेशन के साथ दिन रात एक कर दो यार। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो और रोज सुबह 5 बजे किक स्टार्ट मोटिवेशन लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। मैं चाहता हूँ कि अब से मेरे सारे सब्सक्राइब क्या होता है इसमें कि बिट टेक्नोलॉजी का जमाना है। का जमाना है, अगर आपको पढ़ना बोर लगता है तो वीडियो से सीख सकते हैं, पढ़ाई बोर लगती है ना तो हम टेक्नोलॉजी कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर खुद को काम कर। अगर हमको पर्सनल डेवलपमेंट करना है तो खुद को काम करना है, मैं तो नहीं करके दूंगा ना। तो उसमें एग्जांपल दिए कि उन्होंने बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ दिया। बिल गेट्स है कैसे